लो भी गाइस मैं देखो कहाँ पे, ये देखो भाई फूटी फूटी जगह पर सो रहे हैं हम। इनको लेने आया था, ये चुगा रहे थे नरमा चुगा रहे। मन तो खासी। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग वीडियो। और आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो लिखिए जल्दी ओनली 30 मिनट्स में सबसे दूर वाले खेत में ट्रैक्टर देके आना है। दिनों सोच रहा था ट्रैक्टर को लॉन्ग ड्राइव पे जाने के लिए बोलना पड़ेगा, पहले तो नमन को बुला लूं वरना मेरे अकेले से तो अपने काम होने ही नहीं। ओके हां सुन रहा है, दूर वाले में लेके जाना है सबसे दूर वाले। मन तो आप खेत में जाओगा, मेरे को इसे ला तो देगा, साथ में नहीं जा पाएगा। के लिए फटाफट से इसे खोल के यहाँ पे बैग लगाए, कल्टीवेटर जोड़ के चलना है फटाफट। अभी गाइस फाइनली ट्रैक्टर को तो हमने जोड़ के दिया, खोल दिया। अभी इसको जोड़ना है साथ में, नमन को नहीं बुलाया मैंने, वो जल्दी से खेत में जाके आ जाएगा, फिर उसके साथ चले ठीक है। भाई साहब कितना अल्ट्रा वाइड दिख रहा है आज तुमको, गाने बंद कर दिए तुम्हारे चक्कर में। किधर जाएगा बेटे, गाने बंद है मैं क्या करूं अभी ठीक है। ये देखो आराम से चल दिए जा रहे हैं हम, कहीं पर अड़ ना जावे। लैग लू तो नहीं है ना, थोड़ा सा लैग है ना क्योंकि नेट चालू है अपना, गाने बज रहे हैं इसीलिए। घोड़ा कर दिया हमने यहाँ पे, और ये भाई सिस्टम पैर दर्द करने लगे इतना ये भैंसी टांग बीच बीच में कल चला वो तो दबाई नहीं निकाल दी भैंसी टांग ठीक है। तो आस पूछ के बेचारे पकड़ गए, इतनी कस के पकड़ रखा इसने, क्या बताए अभी हम आपको। इधर सुंदर अति सुंदर पानी निकल रहा है डिग्गी में से, कौन कहा हमारा पानी नहीं लगा है भैंसी टांग वो के मार दे पानी में, तो तुम्हारी ऐसी तैसी होगी और जो हमेशा होती है। हमें तीन है पापा के घर पे और दो बेरे ठीक है, पांच जने एक बाइक पे कर रहे हैं हम तो यहाँ पर फंस के खड़े हो गए। मैं कहूँ इनको लिफ्ट मांगते हैं चलो, क्योंकि हमारा पुराना काम है अपने ताला, फिर बड़ा कोई देख लिया साधन आ गए और शुक्र का मरेंगे लगी रहती है। पानी भी नसीब में नहीं है, ये पानी पीना पड़ रहा है ना भाई, पीना जान का खा रहा है। ऐसी तैसी होगी अब क्या करे बताओ, उस साइड चले या तो वहाँ पे चला है, फिर वो देख एक पे हम तो कितनी हाइट है यहाँ से, ये देखो सीन देखो तुम क्या कर रहे हैं। अब नीचे चलो भाई जी को कह रहा हूँ जाके सीधा उस पानी में घुस जाओ वहाँ पे है ना, वहाँ पे वो रहा पानी ठीक है। चलो नीचे मैं जाऊँ पानी के अंदर। कितना बड़ा पत्थर फेंका है, जैसे इसको डुबोएंगे पानी में पानी में, पर इनको क्या पता हम हैं बाकी सारे पानी कम है। ओए परने चलना मैं कहने जा रही हूँ, उठी रहे गड़गड़ आ जाओ, आ जाए इनकर सड़क चलना। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे पूरा कोहरा ही कोहरा, दूर तो पड़े वो साढ़े नूबड़े आदमी है मैं सीढ़ा लोगों ने कहा लिफ्ट दे ऐसा मत करो मेरी जान, तैयार लगा था घूम के आगे उधर से इधर है, तो दूर जाने का शौक है क्या करें, घूमने आने का शौक है। ये देखो किधर से घूम के आगे उधर से इधर घूमने यार, वो एक बंदा जा रहा बाइक के ऊपर है के ऊपर, उसके पीछे ये तुम्बा से फेंक दिए उसके बिड़ा टायर का जागे वो निकाला गार्ड। कौन वीडियो ये तुम्हारी तो ऐसी तैसी बैंड बज रखी है यहाँ पे, कंठ सूख रहे हैं हमारे और क्या कह रहे हैं क्या है पापा, और पता नहीं कद सी आएंगे, एक बाइक है उस पर पांच जा नहीं सकते, क्या करें अब हम यहाँ पर कुत्ते बन के खड़े हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं जैसे कि कंठ सूख चुके हैं पूरे, पैर में मोच पड़ गई फिर से मेरे तो, ऐसी तैसी होगी सारी जिंदगी झंड हो रही है। करंट है इतना करंट है कि अगर ये मेरा लग जाए ना तो नेक्स्ट व्लॉग कोई नंबर नहीं बनाएगा ठीक है। खोल दूँ पहले मैं इसको फिर देखूँ, पहले ही बता देते हैं कि ट्रैक्टर लेके जाना है, पहले तो वैसे कहा बैठा ट्रैक्टर थोड़ी हट गया जी, आधी बात बताई पता ही नहीं था, हम यहाँ पे ऐसी गड्डी मार रहे हैं लेना दो लेके जाना है ट्रैक्टर ही सीटा पहले ही कह देते, व्यापक कट सूख के पानी और गिरा दिया, इसमें पानी भी नहीं है बिल्कुल ही, पानी और गिरा दिया देख नहीं रही पटना के पास ठीक है। गाइस घरे मिलूँ फिर मैं आप लगेंगे गाइस, फाइनली आ लिया अंदर गाइस, ये देखो ठीक है यहाँ तक ठीक है,
यहाँ से भी अपनी गाएगा, ऊपर कोई भी डिफेक्ट नहीं है। जैसे ही तुम नीचे आओगे ना, देखो ये वाला पैर सूज गया, इतना हो गया, यहाँ से चमड़ी लाल हो रखी है और पीछे से देखो घायल हो रखी है बिल्कुल। ये देखो, बट आज इसका मुझको सिस्टम मिटाना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। पहले तो इसे मैं अच्छे से नहला दूं एक बारी चलाई, और मैं ये दिखा इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम्हारे भी ऐसे हो जाए ना, पानी वहां तक पहुंचेगा नहीं। बट ऊपर ली बंद कर दे, ऊपर ही साहब यहां से लगभग तो साफ कर दिया हमने। देखो कितना लाल हो रखा है, देखो सीट ऐसी होगी, देखूँ मैं हो ये तो डॉक्टर को दिखा, डॉक्टर का कुछ नहीं हुआ है, दर्द तो हुई है ना शायद। तो भी गाय, इस गाय का पैर तो ठीक कर दिया, ठीक क्या कर दिया, साफ कर दिया उस जगह से जहाँ पे गंदा हो रखा था, वहाँ पे बर्फ लगानी है। बर्फ से क्या पता वहाँ से जो है ना गर्मी या फिर जो भी ठंडक होगी। बर्फ लगा के तुम लोगों से मैं मिलता हूँ, आई लगानी पड़ेगी यहाँ पर। ये देखो कितना रेड हो रखा है, पीछे जख्म हो रखे हैं इसके। केयरिंग शेयरिंग, ऐसी चीजें शेयर कर दो तुम भी करो ना, तो क्योंकि और लोग भी कर रहे, अपनी घर की गाय है नहीं, बाहर भी ऐसी हो जाए ना तो करो थोड़ा सा। शेयरिंग हमारी माता है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं आता है। कई जगह तो ऐसा है जहाँ पर इतनी इतनी कूड़ा पड़ा रहा है, वहीं पर गाय बैठी रहती है, खाती रहती है, जो कि इट्स वेरी बैड थिंग। देखिए तुम्हें भी दिखाऊंगा कभी, ठीक है। यहाँ पर कितना और गाय है, एक चीज़ बताऊँगी तुम्हें, इनसे उतना ही काम बना लो कि मिल्क चाहिए, दूध चाहिए हमें, बस उतना ही काम लेंगे ना। ये भी करनी पड़ा है इनकी, ऐसे तो मैं भी कह दूँ कि ना, हमने तो बस मना के नंग रखनी है ना, गर्गन रखनी है, गर्गे लगा दो लगाओ तो, बट गेड़े खेत में आधे कुछ भी खानी पड़ा है, मन नहीं लगानी पड़ेगी। घर के खेत में जाओ, मैंने यहाँ पर यही काम करने पड़ेंगे गाइस, ऐसा मैं ना डांगर नहीं रहा हूँ ना कुछ बात, ये तो करना ही पड़ेगा। ऐसी चीज़ें मैं ही करता हूँ, इनका ट्रीटमेंट करना होगा। इस ब्लॉग में नहीं मिलते, नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।